लिए कमाई का मेन जरिया उद्योग होता है। उसी उद्योग विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो इन्वेस्टर समिट होने वाला है उसकी तैयारियां किस तरीके से हैं। सर 22 तारीख को होने वाला है ये समिट, उसको लेकर क्या सरकार का रुख है, कैसी तैयारियां हैं, रोड शो तमाम देख रहे हैं, कितने लोग आएंगे? देखिए, हमने जो इन्वेस्टर समिट हम 21 और 22 फरवरी को करने जा रहे हैं जी, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं जी। तैयारी करने का मतलब है कि हम सबमिट करें तो देश भर के इंडस्ट्रियलिस्ट को हम बता सकें कि हम उत्तर प्रदेश में ही कर रहे हैं। हमने देश भर के विभिन्न स्थानों के ऊपर रोड शोज किए हैं, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, अब अहमदाबाद में करने जा रहे हैं जी। तो ये सारे के सारे रोड शोज करके हमने इंडस्ट्री से वहाँ पर बातचीत करी है, पूरे देश भर से इंडस्ट्रीज उसमें आएंगे। और मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता होती है कि देश के बड़े इंडस्ट्रीज भी आना चाहते हैं। अब लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक वातावरण है जी, और वो वातावरण है सुरक्षा का, वातावरण सहयोग का जी, वातावरण समन्वय का, वो वातावरण है सम्मान का। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिस समय हम एक मंच के ऊपर लाकर बात करते हैं तो उद्योगपति उत्तर प्रदेश में प्रेफर्ड एरिया मानने लगे हैं जी। पहले जो उत्तर प्रदेश नेग्लेक्टेड एरिया था इंडस्ट्री के नाते से जी, अब प्रेफर्ड एरिया में हमने परिवर्तन किया, इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है। अच्छा, पिछली सरकार का भी दावा था कि हम उद्योगों को बढ़ावा देंगे, अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने खूब सारी सभाएं की, बहुत लोगों से मिले, विदेश तक गए वो लोग, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो आपको कैसे कॉन्फिडेंस लगता है कि आप कुछ कर पाओगे, क्योंकि यूपी की छवि जो पुरानी थी आप लोगों ने, क्योंकि आप 7 बार से लगातार विधायक हैं, खूब हल्ला किया सत्ता में, पहले भी एक बार आप मंत्री रह चुके हैं और इस बार आप मंत्री हैं, उसके बीच का जो समय था खूब हुल्ला हुआ, सड़कों पर हुआ, हम लोगों ने कवर भी किया। तो यूपी की जिस तरीके से छवि थी विदेशों में या बाहर के, अब उस छवि को जब आप जा रहे होंगे इन्वेस्टमेंट समिटी के लिए, लोगों से बात कर रहे होंगे, तो क्या वो सवालात आते हैं उस छवि को लेकर? देखिए, अब लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश बदल चुका है जी। मैं अहमदाबाद में गया था, अभी रोड शो हमारा अभी पहले, लेकिन पहले भी मैं उसके लिए अहमदाबाद भी जा चुका हूँ, सूरत भी जा चुका हूँ। वहाँ कर एक इंडस्ट्रीज ने मुझे ये कहा कि पहले मेरी पत्नी कहती थी कि यूपी नहीं जाओ जी। अब मेरी पत्नी कहती है आप यूपी जाते हो तो मुझे डर नहीं लगता। देखिए, कोई एक एक चीज़ एक बानगी के रूप में जिस समय ये लोग कहते हैं जी। हम मुंबई गए, मुंबई के इंडस्ट्रीज ने कहा आप यूपी में आना चाहते हैं हम जी। हम कलकत्ता गए तो वहाँ के एक इंडस्ट्रीज ने बोला कि हम 3 दिन पहले तक, जब मैं उससे मिला, दो राउंड मेरी मीटिंग हुई कलकत्ता में, उन्होंने कहा 3 दिन पहले तक हमने सोचा था हम यूपी में जाएंगे नहीं, लेकिन हमने 3 दिन में मन परिवर्तित कर लिया, हमने कहा हम यूपी में 100% आएंगे। पूरी दुनिया में एक छवि बदली है। अभी मेरे को सौभाग्य मिला जो अप्रवासी सांसदों का जो सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिसको संबोधित किया था, माननीय विदेश मंत्री जी ने संबोधित किया था, उसमें मुझे जाने का अवसर मिला, मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा था। वहाँ पर अप्रवासी सांसदों से मैंने बात की तो बड़े प्रसन्न थे, एक उत्तर प्रदेश के एक बदले हुए स्वरूप में वो देख कर उनको अच्छा लगता है। दूसरी बात, जहाँ पर आपने कहा पिछली बार भी शोर मचा जी, अब हम शोर कहाँ मचा रहे हैं, अब तो हम चुपचाप काम कर रहे हैं, अब लोग उसको दिखा रहे हो। तीसरी बात यह है कि जो हमने मुंबई में रोड शो किया जी, या जो दिल्ली में रोड शो किया, उस रोड शो को तो वो इन्वेस्टर समिट मान लेते थे ना जी। जो हम इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं जी, तो मेरा आपसे भी निवेदन है कि आपका कैमरा भी कोई पुरानी क्लिपिंग कोई आपके पास पड़ी हो, किसी के पास पड़ी हो, तो मुझे कुछ दिखाएं तो सही कि रोड शो पहले कभी हुआ भी होगा, कभी हुआ इन्वेस्टर समिट हुई, रोड शो को ही इन्वेस्टर समिट मान लेते। आप, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, विदेश तक हुआ ना, विदेश तक गए पूर्व मुख्यमंत्री ने, गए थे, अच्छी बात है, प्रयास करने चाहिए, लेकिन उन्होंने जो प्रयास किया उसका परिणाम हम सबको मालूम है कि क्या हुआ, और हम जो प्रयास कर रहे हैं उसका परिणाम आपके सामने, आप खुद कह रहे हो कि जितना उत्साह इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रहा है, जितना उत्साह यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर चर्चा है, जो हम सुविधाएं दे रहे हैं, जो हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए हैं, तो सब लोग आज इसकी चर्चा करें ना। पहले एक डिस्कनेक्ट था गवर्नमेंट के और इंडस्ट्रीज के बीच में, अब एक स्ट्रांग बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप है। क्या ये कहें कि योगी सरकार का सबसे बड़ा अगर विजन है तो ये फरवरी में होने वाला ये समिट है? नहीं, सब देखिए, हर क्षेत्र में हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जी। ऐसा नहीं है कि जिस समय हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री स्वाभाविक रूप से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री से नौजवानों को रोजगार मिलने वाला है, इंडस्ट्री से प्रदेश का जीडीपी बढ़ेगा, इंडस्ट्री से प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ेगा,
ये स्वाभाविक क्या होगा, ये अच्छी बात है, लेकिन हर फील्ड में अलग अलग ये कहा जाए कि यही सबसे बड़ा, इसके अलावा कुछ नहीं, नहीं, सबका अपनी जगह महत्व है। हाँ, इंडस्ट्री के नाते से ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इवेंट होने जा रहा है। अच्छा, लखनऊ एक्सप्रेस वे जब आपकी सरकार आई, कहा इसकी जांच होगी, काम कंप्लीट नहीं है, घोटाला हुआ है, अब आप टोल लगा रहे हो जबकि रोड इनकम्प्लीट है। नहीं नहीं, रोड हमने कंप्लीट करके टोल लगा रहे हैं, रोड के लिए खोल जा रहे हैं, अब रोड अगर इनकम्प्लीट हो, रोज मैंने कल उस रोड पर सफर किया, टोल प्लाजा ही नहीं बने अभी तक। अब तो टोल प्लाजा, इसीलिए तो हम कह रहे हैं अब जब लगाएंगे तभी टोल प्लाजा बनेगा ना, टोल प्लाजा बनने के पहले उसको कैसे बना देंगे, जब टोल लगाएंगे तभी तो टोल प्लाजा होंगे। कल आप उस रोड के ऊपर गए हो, हमारी सरकार आने के बाद ही वो सारे काम पूरे हुए हैं, अगर पहले काम पूरे हो गए होते तो इतनी भड़बड़ाहट क्या थी उसकी वो शिलान्यास करने की। ऐसे कितने काम हैं, हज़ारों काम, समस्या ये है कि उनको पता था कि उन्होंने आना नहीं और ये प्रमाणित हो गया। कोई भी काम उसकी भड़बड़ाहट क्या थी, पूरा करके करते ना। सरकारें तो निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, सरकारें पहले होती हैं, आज हैं, कल हैं। हमारी सरकार जिस समय थी, मैंने गंगा बैराज कानपुर का बनवाया था, पूरा हो गया था 100% काम, बस उसकी डेट तय होनी थी शिलान्यास, उसकी उद्घाटन की, शिलान्यास की नहीं, उद्घाटन की। तो दुर्भाग्य से उस समय 2004 में सरकार चली गई, ये बने, इन्होंने आते उसका उद्घाटन किया। तो सरकार एक किसी की कोई व्यक्तिगत नहीं होती, सरकार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उस कामों को हमने पूरा किया, वहाँ पर फेंसिंग नहीं थी, वहाँ पर पब्लिक यूटिलिटी के साधन नहीं थे, वहाँ पर साइनेज नहीं थे, वहाँ पर अभी सुरक्षा के संदर्भ में बहुत सारे इंतजाम करने हैं, वहाँ पर फूड जॉइंट्स के लिए अब हमने टेंडर निकाल रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें होनी थी, उसको कर रहे हैं और उसके बाद टोल लगा रहे हैं। ये थे हमारे साथ औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी, जो कि औद्योगिक समिति होने वाली है उसके लिए सरकार की तैयारियां पूर्ण हैं और जल्द ही उत्तर प्रदेश में बड़ा इन्वेस्ट होने वाला है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितना इन्वेस्ट होता है और यूपी की कितनी छवि बाहर जाके बदली है। कैमरामैन गोस्वामी के साथ डॉक्टर विवेक गर्गाचार्य, लखनऊ, समाचार 24।